आई और जानकारी लेते हैं कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ बहुत तादाद के अंदर दूर दराज से आए, पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए। हमारे बीच में एक महिला और हैं, हम जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? पुष्पा चंद्रवांजी भगत। पुष्पा, पुष्पा जी आप यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण आपका यहाँ आने का? जो सरकार प्रमोशन में जो घटना है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो घटना हमें बदलना नहीं चाहिए ऐसा लगता है। जो कि डॉक्टर बाबा साहब ने हमें दिया है वो उस पर जो घाला घाल रहा है सरकार, वो मिटाना नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। ये मैडम ने बोला कि जो बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं और संविधान के तहत ये जो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको मिटने नहीं देंगे। तो आपका नाम? सुजाता गढ़ली। सुजाता? हाँ, सुजाता गढ़ली। एक सुजाता वो भी थी जो भगवान गौतम बुद्ध के समय में थी, उन्होंने एक खीर खिला के बाबा भगवान गौतम बुद्ध को जिंदा किया था। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ जो आरक्षण में जो हमारा आरक्षण मिटाना चाहते हैं, इसलिए जो आरक्षण नहीं मिटाना चाहिए इसलिए आए हैं। आरक्षण कौन मिटाना चाहता है? सरकार। सरकार तो सरकार को बनाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। नहीं, सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं, लेकिन बाबा साहब ने दिया था वो मिटाना नहीं चाहिए। आरक्षण जो दिया था, प्रमोशन इन आरक्षण सभी, वो नहीं मिटाना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आज बेटी अपने आरक्षण को बचाने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आई हैं। आपका नाम? मेरा नाम वैशाली सिरसाट है, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। हम क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ MST सेल में। अच्छा अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आई हैं आप? हमारी मांग, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको प्रमोशन में जो आरक्षण दिया था वो हमारा अधिकार था, वो अधिकार छीनने की छीन रहे हैं सरकार, वो नहीं छीनना चाहिए। आगे की पीढ़ी को जो तकलीफ होने वाली है, अभी का आश्वासन जो दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन अभी फिलहाल वो जो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम आगे आने वाली पीढ़ी पर बहुत भयानक होने वाला है। इसके लिए हमारे जो आरक्षण हमारे बाबा साहब ने दिया था वो हमारा अधिकार है, और हमारा अधिकार छीनने का अधिकार किसको नहीं दिया है अभी, वो सरकार वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आज यहाँ पे आए। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं के बहुत सारे अधिकार दिए थे, और वो महिला को इतने अधिकार दिए कि बाबा साहब के संविधान के तहत देश की प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, और आज ये महिलाओं का आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं, वो गलत है। महिला का आरक्षण जो अभी महिला अब हर क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तुम उनको घाला घालने के लिए हर एक कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। अभी तक तो सभी तरफ से महिला का शोषण होता ही आ रहा था, लेकिन अभी ये पदोन्नति में आरक्षण, इसके माध्यम से ही महिला का आरक्षण शोषण हो रहा है, अभी वो नहीं होना चाहिए। महिला भी आगे आने के लिए उनको सख्त जरूरत, आरक्षण की सख्त जरूरत है, वो नहीं मिटाना चाहिए। धन्यवाद।